माँ दुनियाद की दौलत से माला माल, जिला करक से निकलने वाला जिप्सम जो बाजायर आम सा पत्थर दिखाई देता है मगर इससे बेशुमार खाम माल तैयार किया जाता है जो मेडिकल के शुबे में इस्तेमाल होता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला प्लास्टर भी इसी जिप्सम के पाउडर का बना होता है। इसके अलावा जिप्सम से छतों की सीलिंग के लिए शीट्स भी तैयार की जाती हैं और यहाँ जिप्सम का पाउडर और मुख्तलिफ साइज़ की सीलिंग शीट्स बनाने के लिए स्पेशल प्लांट्स लगाए गए हैं जहाँ से तैयार शुदा माल पाकिस्तान के जुड़वों शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान तक भेजा जाता है। इसके अलावा जिप्सम से तैयार शुदा एक्सपोर्ट क्वालिटी का खाम माल बैरून मुल्क भी भेजा जाता है। जट्टा इस्माइल खेल मंसूरगढ़ इस जगह का नाम है जिसके करक में है। और जब हम बात करते हैं कि कुदरत ने पहाड़ों में कितने कीमती खजाने छुपाए हुए हैं और आज जिन खजानों को यहाँ से तराशा जा रहा है और हम एक्सप्लोर करने आए हुए हैं वो खजाने हैं यहाँ करक के पहाड़ों के। करक के पहाड़ों से कितना कीमती पत्थर निकल रहा है और इसे क्या कुछ तैयार हो रहा है, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर माइंस एंड मिनरल करक। करक के जितने भी खजाने हैं वो लोगों के सामने, लोगों को पता चले कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास। तो जिस तरह आप सबको मालूम है कि अल्लाह ताला ने करक को कुदरती खजानों से मालामाल किया है जिसमें जिप्सम है, यहाँ पे नमक है और साथ में हमारे साथ इधर कोयला भी बहुत ज़्यादा तादाद जी कोयला भी अलावा गैस के जहर तेल गैस के जहर ये बहुत ज़्यादा इधर अवेलेबल है हमारे पास। अल्लाह ताला ने करक को नवाजा है इन चीज़ों से। तो बताइएगा जिस जगह पर जिस माइनिंग के ऊपर हम मौजूद हैं ये किस चीज़ की माइनिंग है? ये जो माइनिंग अभी आप देख रहे हैं ये माइन है जिप्सम की। अच्छा, और जिप्सम से जिस तरह आप सबको पता है कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल होता है, ये बनता है इससे आपके जो आर्थोपेडिक के जो मुख्तलिफ प्लास्टर वगैरह बनते हैं उनमें यूज़ होता है और सेरेमिक्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनसे यूज़ होता है। और यानी जितनी जो घरों के अंदर लोग सीलिंग करवा रहे हैं ज़्यादातर मार्केट में ख़रीदने के लिए जाएं तो वो कहते हैं जी कि ये चाइना से आई हुई, ये इम्पोर्टेड है, ये यूनाइटेड है, ये फ्लॉन्ग ओपनिंग की है, ये फ्लॉन्ग की है, लेकिन हमें यहाँ पर आके पता चला है कि यहाँ से इसका खाम माल निकल रही है और शीट भी यहाँ पर तैयार हो रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे शीट तैयार भी होती है लेकिन यहाँ पे देखें जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में क्राइसिस है मुख्तलिफ इकनॉमिकल लिहाज से, तो ये सारी चीज़ खाम माल की सूरत में चाइना में जाता है, चाइना में उसको पॉलिश करके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में बना के और मुख्तलिफ डिज़ाइन बना के वापस हमें भेजते हैं वो लोग। और सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है ये यहाँ से खाम माल निकल के? यहाँ से पहले जाता था इंडिया जाता था लेकिन अभी जिस तरह आप लोगों को बताया कि भाई इंडिया के साथ हमारी ट्रेड बंद है तो आजकल ज़्यादातर जो है लोकल इस्तेमाल है और चाइना इस्तेमाल, चाइना है और सीमेंट फैक्ट्रियों में यहाँ। अच्छा, जी अच्छा, इंडिया कितना अरसे तक जाता रहा ये? इंडिया 2018 तक ये जाता रहा। कितने रकबे के ऊपर यही पहाड़ है इसी के? ये इधर मुख्तलिफ माइंस है, यहाँ पे हम ज़्यादातर जो रकबा देते हैं एक लीज होल्डर को वो 200 एकड़ तक देते हैं, तो यहाँ तकरीबन कोई 99 के करीब लीजेस हैं जिसमें जिप्सम निकल रहा है और साथ में रॉक साल्ट निकल रहा है। अच्छा, रॉक साल्ट के कितने सारे ज़खायर हैं और कितने के? रॉक साल्ट के जो बहुत ज़्यादा ज़खायर है जो नॉर्मल जो वाइट आप नमक है वो ज़्यादातर करक से ही जाता है और जो पिंक साल्ट है वो कालाबाग से जाता है और चकवाल से जाता है। चकवाल से जाता है। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है जो करक से नमक निकल रहा है उसमें और जो हमारे चकवाल से निकल रहा है उसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ कलर का फ़र्क है। अच्छा, कि भाई वो पिंक है और ये इधर जो है ये सफ़ेद है, सिर्फ ये फ़र्क है और उसके अलावा कोई वो नहीं। अच्छा, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है आपका महकमा जब हम फोकस करें इसी जिप्सम को, तो जिप्सम से और यहाँ से जो साल्ट निकल रहा है इससे? यहाँ से हम तकरीबन 10.5 करोड़ रुपये जो है वो हम अभी रॉयल्टी हमने की है तो अच्छा। उससे हम कह सकते हैं कि अभी 10.5 करोड़ की इस साल हम इनसे जनरेशन करेंगे। इसे 10.5 करोड़ और ये मसलन आप कितने साल के बाद दोबारा फिर? ये सालाना बुनियाद पे होता है हमारा, सालाना बुनियाद पे हम लीजिंग जो होता है रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो साल के बाद उसको दोबारा वो करते हैं, अगर वो हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो हम डिपार्टमेंटली कलेक्ट करते हैं। अच्छा, तो नमक यहाँ का कहाँ कहाँ जा रहा है? नमक जो है ज़्यादातर आजकल अफगानिस्तान जा रहा है।